एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन है आज शनिवार और टाइम हो रहा है ठीक 12:30 बज रहे हैं दोपहर के। तो चलिए दोपहर के 12:30 बजे से कर लेते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी जो है मैं कर रही हूँ टेबल क्लीन। घर की पूरी जो साफ़ सफाई का काम है वो तो निपट ही चुका है और टेबल की डस्टिंग वगैरह भी जो है ना सुबह ही हो गई थी। लेकिन वही होता है ना कि बच्चे टेबल पे बैठ के नाश्ता करते हैं तो अपने गंदे हाथ जो है टेबल पे लगा देते हैं, तो बस। और कांच होता है जो तुरंत से जो है ना गंदा दिखने लग जाता है। तो बस यहाँ पर टेबल क्लीन करके आ गई हूँ रूम। और इस समय दोनों बच्चे बैठ के देख रहे हैं टीवी। तो सैटरडे के दिन दोनों के दोनों जो है फ्री रहते हैं और रात को सोने से पहले ही बोल देते हैं कि मम्मा सैटरडे और संडे एक तो हमें जल्दी मत उठाना और एक टीवी देखने के लिए हमें मना मत करना। इनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं लेकिन आपको पता ही है कि बच्चे सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं जितना उनका मन करता है, उससे ज़्यादा वो एक्स्ट्रा में बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। और यहाँ पर दोपहर के लंच का भी टाइम हो गया है, सबको भूख लग चुकी है और लंच में बन रहा है दाल और रोटी। तो सिर्फ बच्चों के लिए दाल और रोटी बनेगी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ मूली के पराठे। मूली थोड़ी सी बची हुई थी ग्रेट की हुई, तो मुझे रोटी और दाल तो वैसे भी पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए पराठे बना लूँगी। और वंशिका और वेदांश में से एक बच्चा चावलों के लिए ज़रूर रोता है, तो आज जो है वंशिका फिर से बोलने लगी कि जब दाल है तो राइस बनानी थी ना, और मुझे भी थोड़ा सा आलस आ गया राइस बनाने में, तो मैंने कहा चलो आज रोटी से काम चला लो। तो दोनों बच्चे मान। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने दोनों की प्लेट लगा दी है क्योंकि ये खाना वाना खा के जो है ना पार्क चले जाने वाले हैं खेलने के लिए। और उसके बाद जो है मैं बनाऊंगी अपने लिए पराठे। तो ये थोड़ी सी मूली बची थी, सिर्फ 2 पराठों के लायक मूली थी, तो मैंने जो है ना इसके अपने लिए पराठे बना लिए। और मुझे मूली के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे आलू के भी पराठे अच्छे नहीं लगते, गोभी के भी इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन मूली के पराठे मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो दोपहर का जो है ना लंच वगैरह हो चुका है और अब जो है थोड़े से कपड़े थे जिनको फोल्ड करके रख दूँगी। और साथ में टीवी भी चल रहा है, टीवी में मूवी चल रही है, मूवी देखते देखते जो है ना कपड़े भी फोल्ड हो रहे हैं। तो टीवी देखते देखते जब काम करो तो काम फटाफट से हो जाते हैं। और इवनिंग टाइम है तो विदांश जो है ना यहाँ पर खेल रहा है और पूरा दिन जो है इसका ऐसे ही टाइम पास हो गया है। मम्मी तो बस चिल्लाती रह गई कि बेटा पढ़ लो, और ये यहाँ पर जो पढ़ाई दिख रही है ना एक्चुअल में वो पढ़ाई नहीं हो रही है, वो भी टाइम पास ही हो रहा है। तो यही होता है कि चलो कोई बात नहीं, जो भी टाइम पास करे, थोड़ी देर बच्चे शांत तो बैठे हैं। और यहाँ पर इवनिंग टाइम पर जो है ना मैं अपने चाय वाय के थोड़े से बर्तन हैं उनको क्लीन करूँगी। और आप लोगों से करनी है आज बहुत ज़रूरी बात। आप लोगों की बहुत शिकायतें हैं मुझसे कि दी आपके व्लॉग्स लेट आते हैं और लेट आने के साथ साथ बहुत छोटे भी होते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस टाइम पे जो है ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से मैं लंबे व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ और इसीलिए लेट व्लॉग्स भी आ रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़े टाइम और मैनेज कर लीजिए आप लोग। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जल्द से जल्द जो है ना मेरे व्लॉग्स लंबे लंबे होंगे और मैं कम से कम भी 13-14 मिनट के व्लॉग्स लेकर आऊँगी। तो आई होप आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट और है कि जब आप वीडियो देखते हैं ना तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए, और आपका एक एक लाइक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो ये मैं आपको हर बार बोलती हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, वीडियो के एंड में और कभी कभी वीडियो के बीच में भी। तो प्लीज़ आप लाइक कर दिया कीजिए।
और ये कुछ सब्जियां थी जो कि मैंने धो के रखी हुई थी, जो कि अब सूख चुकी हैं, तो उनको जो है मैंने फ्रिज में लगा दिया है। और आज की जो शाम की पूजा है वो कर रही है वंशिका। और यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ रात के डिनर की तैयारी। तो यहाँ पर जो है ना भिंडियाँ कट कर रही हूँ, तो भिंडी आने लगी है, लेकिन हम लोगों ने इस सीज़न की जो है ना पहली भिंडी बनाई है, जो कि बहुत यम्मी और टेस्टी बनी थी। एंड अब थोड़े से कपड़े थे जिनको मैं हाथ के हाथ प्रेस करके रख दूँगी। और हम लोगों का जो है डिनर हो चुका है। और डिनर में आज बनी थी बहुत टेस्टी यमी सी भिंडी की सब्जी। मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, सच में भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। और एक भिंडी की सब्जी ऐसी होती है, आप जिस तरीके से भी बनाएंगे ना उसको, वो अच्छी लगती है खाने में। सबसे बड़ी बात की बच्चों की बहुत ज्यादा फेवरेट होती है, बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट भिंडी। तो बच्चों ने भी खुश होकर आज खाना खा लिया है। सैटरडे का जो दिन है ना ऐसे ही निकल गया, शॉपिंग बिल्कुल कुछ भी नहीं हो पा रही है, मेरी शॉपिंग का जो है ना मुहूर्त ही नहीं निकल पा रहा है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि सैटरडे संडे जो है ना शॉपिंग करने जाएंगे, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं ऑफिस के कामों में, सैटरडे संडे ही हम लोगों को जो है टाइम मिलता है। लेकिन वही हो गया, आज सोचा था सैटरडे शॉपिंग करेंगे, लेकिन वही इनका आज भी काम पड़ गया, तो आज का दिन भी ऐसा ही निकल गया। अब देखते हैं किस दिन से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि कब तक जो है शॉपिंग का मुहूर्त निकलेगा। और बहुत सारी शॉपिंग करनी है, और यकीन मानिए अभी तक कुछ भी नहीं खरीदा है, बस ऐसे ही बैठी हुई हूँ। चलिए टाइम अभी है तो कर लेंगे धीरे धीरे। और अपने आज के वीडियो का एंड में यहीं पर करती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।